बिहार में एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं, जो बातें फैलाई जा रही है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार 5 साल पूरा करेगी। उक्त बातें बिहार सरकार के एसटीएससी व लघु सिंचाई विभाग के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। बिहार के मंत्री संतोष सुमन मांझी धनबाद में पारिवारिक व निजी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान धनबाद के सर्किट हाउस में हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। साथ ही कई लोग भी मंत्री संतोष सुमन मांझी से मिलने पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल पूरा करेगी और बिहार में एनडीए मजबूत है। दलितों गरीबों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद पर कहा कि कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, हमारी पार्टी सभी धर्मों को सम्मान करती है। देखिए, कोई खास उद्देश्य नहीं है, हम लोग झारखंड में पहले भी आए हैं, धनबाद में हमारे बहुत सारे साथी हैं। आज का जो आने का है, हम लोग का कुछ पारिवारिक कारण से हम आए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर साथी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है एक तरह से। और खास मकसद ऐसा कोई राजनीति नहीं है, पारिवारिक कारण से आए हैं। हमारे परिवार में कोई शादी थी, उसमें हम नहीं आ पाए थे, तो आए हैं, और कोई कोई खास मकसद नहीं। आपने पहले भी बयान दिया था कि पिछले यात्रा की जो है भागीदारी को मजबूत करने के लिए कोई रणनीति पे काम करें, क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब हमारी पार्टी का गठन हुआ है तो हम लोग का नारा था कि सभी गरीबों को हम लोग को एक करना है। और गरीबों में की बात जब हम करते हैं तो सभी समुदाय के लोग आते हैं, और निश्चित तौर पर पिछड़े जो लोग हैं, खास करके दलित जो हैं, वो गरीब होते हैं, तो उनको आगे करने के लिए उनको कैसे राजनीतिक रूप से हम सशक्त कर सकते हैं, कैसे उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करते हैं। और उसी सिलसिले में हर जगह, चाहे बिहार का भी बात हो, किसी दूसरे स्टेट में भी हम लोग जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा लीडरशिप निकले जो पिछड़े का हो, जो गरीब का लीडरशिप हो, जो आज तक उनको कहीं पर रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी में नहीं मिला है और कहीं पिछड़ गए हैं, उनके अंदर काबिलियत है, ऐसे लोगों को आगे करके हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई पार्टी कि वो नहीं है कि कोई इस रैंक में है, इस फाइल में है, तो उसका हायरार्की है, तो उससे बात नहीं। हम लोग एक जगह बैठ के परिवार की तरह काम करते हैं, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और उनको भी एक भारत के एक नागरिक हैं, और उनका भी अधिकार वही है जितना अधिकार बड़े लोगों को है, तो उनके अंदर आएगी निश्चित तौर पर। जब उनके अंदर राजनीतिक भावना आएगी, राजनीतिक भावना जब आने से वो स्ट्रांग होंगे, तो निश्चित तौर पर सबका विकास होगा, नहीं तो फिर वही गैप रह जाएगा, अमीर गरीब की गैप रह जाएगी। बिहार में क्या लग रहा है, नीतीश और राजद में क्या? बिहार में देखिए, एनडीए की सरकार है और पूरी मुस्तैदी से और पूरी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार है, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बातें आती रहती है, कुछ लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है, ये मीडिया का सगुफा भी हो सकता है। हम समझते हैं, हम उस बिहार सरकार में मंत्री हैं, और हम जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। एनडी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हम के मिल करके चल रहा है और मजबूती के साथ है, और हम लोग 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में वहाँ की सरकार चलेगी, और एक अच्छी सरकार चल रही है। पहले भी उन्होंने एक अच्छा सरकार और एक शांति का माहौल बनाया, बिहार में विकास की बात की, आज भी हम लोग उस राह पर अग्रसर हैं। पार्टी, नीतीश जी की पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद कमजोर होते नजर आ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पार्टी कमजोर हो रही है। देखिए, चुनाव में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ सीटें कम आई हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कमजोर है। जो एक गठबंधन के तौर पर हम लोग वहाँ कर काम कर रहे हैं, एक जदयू की सरकार नहीं है वहाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, और हम मिलकर एनडीए की सरकार है, और एनडीए अपने आप में बहुत मजबूत है, और एनडीए का कोई विकल्प बिहार में नहीं है। झारखंड में भाषा विवाद पर क्या कहना? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में हम लोग की पार्टी है, काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के विवाद नहीं हो, सभी लोगों का जो अपनी भाषा है बात करें, और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति और किसी एक समुदाय के लोगों को नहीं होना चाहिए। भारत देश में सब समान है और सभी का अपने अधिकार, अपने सम्मान के साथ रहने का उनको भी अधिकार है। हम समझते हैं कि भाषा एक अभिव्यक्ति होती है, भाषा पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको अधिकार है अपने हिसाब से करने के लिए। हम समझते हैं कि हम बिहार में भी यही बात हम लोग करते हैं कि जो जिस भाषा को बोलता है, लेकिन एक भाषा होता है जो कॉमन भाषा, जैसे हम लोग हिंदी यूज करते हैं, हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में हिंदी की प्रधानता है, इसलिए भाषा पर हम नहीं समझते इससे कोई विवाद होना चाहिए। अभी हाल में हेमंत सोरेन पे कई आरोप लगा,
देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है वो आरोप के बारे में, और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। झारखंड में हम लोग की पार्टी है, हम लोग की पार्टी चल रही है। हमारे धर्मेंद्र भुइयां जी युवा के अध्यक्ष हैं, हम लोग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं पलामू चतरा के इलाकों में। और हम लोग चाहते हैं आने वाला विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक सीट पर चुनाव लड़ें। उन सीटों का हम छोटा नागपुर के इलाके में चयन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर प्रभारी हमने नियुक्त कर दिया फैज सिद्दीकी जी को, आते जाते रहते हैं। अब आने वाला 2-4 महीने में आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे, और पार्टी का जो संगठन है उस पूरी तरह से उसको हम लोग फॉर्म करके आने वाला समय में निश्चित तौर पर कुछ विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है झारखंड में देखिए, अब सरकार टिकेगी ना टिकेगी तो इसकी तो हमें टिप्पणी नहीं करने आया, हम सरकार गिराने आए बनाने आए हैं। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा निश्चित तौर पर रहेगा। आने वाला समय में निश्चित तौर पर यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी, इस बात को मैं जानता हूँ। और अभी सरकार चल रही है, चलने दीजिए। अब जो जनता उब चुकी है, जनता अब एनडीए की सरकार को निश्चित तौर पर पूरा लाएगी, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में आके यहाँ चुनाव कुछ सीटों पर लड़े और एक मजबूत सरकार, एक अच्छी सरकार देने का यहाँ काम करें। देखिए, हमारी पार्टी इन बातों पर नहीं जाती है। सभी धर्म और सभी संप्रदाय, जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, सभी को अधिकार है अपने हिसाब से काम करने के लिए। इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, और जिन है जिनकी बात है अपनी बात करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, इस तरह की बात कर करके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हम का सवाल है, हम इन बातों में विश्वास नहीं करता है। सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी लोगों का सम्मान करता है, सभी का अधिकार है इस राज्य में, इस देश में अपने तरीके से रहने का, अपने तरीके से धर्म को पालन करने का।